कहाँ है सुरंग भैया? अच्छा, अब ये सुरंग बता रहा है भाई साहब ये, और कह रहा है कि इसके अंदर सुल्ताना डाकू घोड़ा लेके कूदता था और गायब हो जाता था। अच्छा जी, एक अंडा चुराया था सबसे पहले सुल्ताना डाकू ने, उसके माने से काटा नहीं था। ये देखो गोला, ये ऊपर से सही है। अच्छा, जिसको वो लूटता था पहले चिट्ठी पहुंचाता था। अच्छा जी, पहले मैं कल मैं आ रहा हूँ लूटने के लिए। यहाँ से देख के इस तरह से निशाना लगाते थे बंदूकों से। चार पहिए की कार तो चल जाएगी, आराम से चल जाएगी। चल जाएगा। कोल्लू में पहला गया था, कोल्लू में पहला था सुल्ताना डाकू को, जिसमें गन्ना निकालते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में फिर से। तो मैं अभी हूँ भाई जिला बिजनौर, और जिला बिजनौर के अंदर नजीबाबाद एक कस्बा है, और उस कस्बे के अंदर है भाई सुल्ताना डाकू का किला, जिसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो रहा गेट। तो इस किले में आज हम घूमने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भाई सुल्ताना डाकू, जिनका इतना नाम रहा है, इतना दबदबा रहा है, तो ये किला उनका किस तरह का है। और काफ़ी बड़ा किला है भाई, बहुत वॉल है, चौड़ी वॉल है बहुत। तो चलते हैं इसे देखने के लिए किले को, और देखते हैं कि भाई किस तरह से, मतलब जो डाकू रहते थे किलों में वो किस तरह से रहते थे, और किस तरह के मतलब उनके छुपने के खुफिया दरवाजे थे, और खुफिया मतलब कमरे बने हुए थे। तो चलते हैं इस किले में घूमने के लिए। तो मैं खड़ा हूँ इस किले के बिल्कुल सेंटर में अभी, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्लैग लगा है, इंडियन फ्लैग। और सामने ही देखिए एक गेट वो रहा इस किले का, ये देखिए जिससे हमने एंट्री की है, और इसी के अपोजिट बिल्कुल सामने दूसरा गेट देखिए वो रहा बिल्कुल सामने, ये देखिए। ये किला सुल्ताना डाकू के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस किले के पीछे की कहानी कुछ और है, जो कि मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस किले के बारे में ही बात करते हैं। ये किला जो है, ये है किला नवाब नजीबुद्दौला का, जिनको नजीब खान के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने ही नजीबाबाद शहर बसाया था। और ये बिल्कुल नजीबाबाद शहर के किनारे पर है, किला लगभग 2 किलोमीटर यहाँ से नजीबाबाद शहर। तो ये किला उन्होंने बनवाया था नजीबुद्दौला ने। सुल्ताना डाकू, जिनका नाम सुल्तान सिंह था, उनका नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सुल्ताना डाकू। तो उनका जन्म जो हुआ था मुरादाबाद में हुआ था भाई। मुरादाबाद के पास एक एरिया है हरतला नाम का, तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और वो एक ट्राइब से बिलोंग करते थे, घूमतू जो ट्राइब होते हैं, नोमाडिक ट्राइब, यानी जो आज यहाँ पर हैं तो कल वहाँ पर हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा उत्तर भारत में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बहुत सारी जगहों पर, मतलब आपने देखा होगा जगह जगह लोग मतलब झोपड़ी और वो डालकर रहते हैं। आज इस शहर में है तो 10 दिन बाद दूसरे शहर में, तो उस तरह के मतलब ट्राइब से बिलोंग करते थे वो। उसका नाम था भाटी ट्राइब का, और मुरादाबाद में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने इसी एरिया में, मतलब यहाँ से मुरादाबाद लगभग 100 किलोमीटर दूर है, तो इसी एरिया में मतलब उनका दबदबा रहा है सुल्ताना डाकू का, मतलब उनका ग्रुप था एक पूरा। और जैसे कि उनके बारे में इतिहास में लोगों ने कहा है कि वो अक्सर अमीरों से लूटते थे और गरीबों में बांटते थे, रॉबिन हुड कहा गया है उनको भाई, रॉबिन हुड जैसे कि मतलब अमीरों को लूटना और गरीबों में बांटना। लेकिन जो गरीब लोग थे उनके दिल में मतलब उनके लिए प्रेम था। ये किला नजीबुद्दौला ने 1755 में बनवाया था, और उस टाइम पे मुगलों का दौर था 1755, और नजीबुद्दौला जो थे भाई वो बिलोंग करते थे आज के अफगानिस्तान से, और वो बिलोंग करते थे यूसुफ जई कबीले से। और ये यूसुफ जई कबीला जो है, इसकी भी एक अलग कहानी है। हालांकि वो अफगान थे, पश्तू थे, यानी पश्तू बोलने वाले, और उन्होंने ही ये किला मतलब बनवाया था। और यहाँ से कोटद्वार ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर कोटद्वार है, और पीछे ही बस पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। अगर अभी तो वैसा टाइम है, फोगी है अभी, लेकिन अगर फोगी नहीं होएगा तो यहाँ से मतलब पहाड़ नज़र आने लगते हैं। और बाकी आप इधर के साइड जाएंगे यहाँ से, तो इधर की तरफ है हरिद्वार 50 किलोमीटर। किले के सामने वाले गेट के पास मैं आ गया, और देखता हूँ भाई यहाँ पर किस तरह के मेहराब बने हुए हैं और किस तरह की यहाँ पर नक्काशी है। ये रहा इसका दूसरा गेट, जो कि बिल्कुल अपोजिट है। सामने वाले गेट से मैंने एंट्री की थी, वो वहाँ पर एक गेट, वहीं से एंट्री कर सकते हैं। वहाँ पर मतलब जो चौकीदार हैं वो भी बैठे हैं, और इस गेट पे ताला लगा हुआ है इस साइड से। ये देख सकते हैं आप किस तरह का मतलब आर्किटेक्चर है भाई ये। हालांकि मुग़ल टाइम में जो इमारतें बनी हैं उनमें अक्सर आपने देखा होगा कि नक्काशी होती है, लेकिन इस पर कुछ ऐसा नहीं है, नक्काशी वगैरह नहीं है, बस वैसे ही पत्थर को तराश के उसकी ईंट बना के उससे ही इसको बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप करीब से, ये पत्थर हैं। हालांकि यहाँ पर पत्थर आसपास मिल जाते हैं, क्योंकि ये एरिया पहाड़ों का स्टार्ट हो जाता है आगे से, तो उन पत्थरों को तराश के ईंट की तरह मतलब बनाकर उसी से बनाया गया है। और ये गेट भी बंद है ऊपर जाने का, ये देखिए जीना है।
और किस तरह से मतलब बनाया गया है ये देखिए, अंदर चूना मिला हुआ है मसाले के अंदर, जो उस टाइम का मसाला होगा वो, और ऊपर कबूतरों ने बसेरा डाल रखा है। ये देखिए ये बंद है, गेट के अंदर इस तरह के जो किला है उसमें इस तरह के मेहराब बने हुए हैं। और ये देखिए सामने पीछे की तरफ रिहाइश है, लोग रह रहे हैं, बिल्कुल मकान बने हैं ये देखिए, और इधर भी इस टाइप का ही आर्किटेक्चर है। और ऊपर लखोरी ईंट लगी है ये देखिए, जो ईंट होती थी पुराने टाइम में इस्तेमाल, एक छोटी लखोरी बोलते हैं हम तो इसको। और ये रहा इसका कुब्बा, ये देखिए यहाँ पर भी बस कुछ नहीं है, मतलब उस तरह का आर्किटेक्चर नहीं है, बस वैसे ही सिंपल ही बना हुआ है। अगर आप लोकेशन पे सर्च करोगे तो सुल्तान डाकू का किला तो ये आसानी से आ जाएगा, लेकिन इसका जो नाम है वो है पत्थरगढ़ का किला। सुल्तान डाकू ने इस पे मतलब इसको अपना ठिकाना बनाया था लगभग नजीबुद्दौला के 300 साल बाद, 400 साल बाद, क्योंकि नजीबुद्दौला का जो दौर था वो था 1750 1700-1800 का। सुल्तान डाकू का जो दौर रहा है वो रहा है भाई 1900 का, और 1930 में तो सुल्तान डाकू को फांसी दे दी गई थी भाई, जब उनको पकड़ लिया गया था इसी एरिया में, बिजनौर के एरिया में पकड़ने के बाद बरेली ले गए थे और वहां पर उनको मतलब फांसी दे दी गई थी। वैसे तो ये किला भी भारतीय पुरातत्व में आता है, लेकिन यहाँ पर मरम्मत का काम इतना कोई खास नहीं है, दीवारें मतलब झज्झर हो रही हैं, ढह रही हैं, बाकी चौकीदार वगैरह हैं बैठे हैं मतलब ध्यान रखने के लिए, नोटिस बोर्ड भी लगा है। ये देखिए तालाब रहा होगा उस दौर में नहाने के लिए, जैसे कि इसका आर्किटेक्चर देख के लग रहा है, चकोर एकदम ये देखिए, और ये भी टूट रहा है, और इस साइड भी पानी भरा हुआ है ये देखिए। तो इन भाई साहब का कॉल है कि ये किला एक रात में बना। हाँ जी बताइए, आप बताइए, बता भाई सब एक रात में बना ये किला? अरे नहीं मतलब लोग बाग बताते हैं ऐसे, हमें तो ये पता नहीं, पक्का पता नहीं कि भाई एक ही रात में बना, अब हम तो देख रहे हैं। अच्छा अच्छा भाई साहब आप बताइए, ये किला मतलब किसने बनवाया या किसने मतलब, जैसे हम सुनते आ रहा है पहले से, क्या 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 सुनते आ रहे हैं थोड़ा बताइए। एक रात में बना हुआ किला, एक रात में बन गया, एक रात में बनाया किसने था ये किला, मतलब क्या नाम था उसका, नजीबुद्दौला ने। और फिर ये सुल्ताना डाकू के ठिकाना बना ये रहने के लिए, एक डाकू था यहाँ थोड़ी रहता था, उसके नीचे रहता था सुरंग के यहाँ। अच्छा सुरंग के नीचे रहता था, सुरंग सुरंग देखो इसकी कहाँ है, सुरंग दिखाना, पानी में डूब, पानी के अंदर से सुरंग है। और अच्छा भाई घोड़ी कूदती थी गायब हो जाता था वो, अच्छा जी यहाँ से तो ये घोड़ा जितना भी सोना लुटता है इसमें चला गया तक। तो भैया कोई नहीं, इन भाई साहब के कॉल के अकॉर्डिंग ये जो तालाब है पानी का, इस तालाब के अंदर जो है सुल्ताना डाकू कूदते थे, यहाँ से सुरंग थी इसकी, अपना घोड़ा लेके, ठीक है घोड़ा लेके कूदते थे इस सुरंग के अंदर। देखिए ऊपर चढ़ के देखे होंगे, ऊपर छोटे छोटे कुएं दिखाई दे होंगे गोल गोल। ये देखिए भाई साहब ये सुरंग बता रहा है भाई साहब ये, और कह रहा है कि इसके अंदर सुल्ताना डाकू घोड़ा लेके कूदता था और गायब हो जाता था। अच्छा जी अच्छा जी, किसी से कोई भी दुनिया की कोशिश करती नहीं, तो खजाना सुल्ताना डाकू का यही है फिर सारा है। लेकिन इसकी तो खुदाई करवाई थी सरकार ने, कुछ नहीं मिला है ना, वैज्ञानिक से वैज्ञानिक मर गए। अच्छा तो ये तली तोड़ वगैरह तो नहीं है, तली तोड़ नहीं है, पानी सूख जाए, पानी सूख जाए, पानी सूख जाता है इसका। अच्छा जब नुगाड़ते नुगबाग सूखा नहीं है, उसको ऊपर देखो छत पे जा, मैंने फोटो खींच रखा है ना छोटे छोटे। अच्छा चलो मैं जाता हूँ अभी ऊपर छत के ऊपर जाऊँ, सुरंग यहाँ से भी मतलब किले के अंदर से भी सुरंग गई है। थाना जो है सुरंग जो है नजीबुद्दौला ने बनाई थी या सुल्ताना डाकू ने बनाई थी, बाद में इसको डेवलप किया था इस पे जब वो तो ठिकाना बनाया इसको, ये तो किला है एक। अच्छा तो वो तो नजीबुद्दौला ने बनवाया था अपने हिसाब से, सही लगाया था तो वो उसने सुल्तान डाकू ने, फिर वो अमीर को लुटता था गरीबों को बांटता था। अच्छा यही सिस्टम तो सही आदमी था इसका मतलब, बढ़िया था वो। अच्छा बाकी उम्र तो इतनी नहीं रही उनकी, 30 साल तक बस है ना, 30 साल चोर बना था, 1 घंटे का ऊपर चोर बन गया था वो, काय के ऊपर 1 घंटा चुराया, 1 घंटा चुराया था सबसे पहले सुल्ताना डाकू ने, उसकी माँ ने डांटा नहीं था, माँ ने डांटा नहीं था। अच्छा मैंने ये भी तो सुना है कि जीप काट दी थी कुछ ऐसा हुआ था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, सब कोल्लू में पहला लगाया था, कोल्लू में पहला था सुल्ताना डाकू को, जिसमें गन्ना निकालते हैं किसने मतलब पहला था, मतलब ये पकड़ा था इन्होंने पुलिस वालों ने, तो पुलिस वालों ने। अच्छा अच्छा पुलिस वालों ने कहाँ पकड़ा था सुल्ताना डाकू को, ये तो भैया इतना तो मेरे को भी नहीं पता, मतलब ये बताते हैं कि कोल्लू में पहला गया, कोल्लू में पहला था तो ये तो पूरा ग्रुप होगा, गैंग होगी। मैंने मेरे जो सुनने में बात आई है सुल्ताना डाकू मरा था उसी दिन, मेरे सुनने में बात आई है घोड़ी। अच्छा घोड़ी का नाम तो चेतक था,
हाँ, जिससे भी लूटता था ना, तो एक पहले चिट्ठी पहुंचाती। अच्छा, जिसको वो लूटता था पहले चिट्ठी पहुंचाता था। अच्छा, पहले तो था कल मैं आ रहा हूँ लूटने के लिए। कितने तो वो लगा लिए, पुलिस वाले लगा लिए, मतलब कितने कुछ कर लिए। अच्छा, लूट के रहेगा और लूटना था। हमारे जलालाबाद का काजी का दरबार है, करोड़पति आदमी। हेलो गाइस, उसकी बहस को कह के था लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। दस कम से कम 10 उसको कह गया था कि 10 की 10 तेरी भैंस किले में चली गई थी। 10 भैंसें लूटी थी। कुछ भी लूट लेता था, गरीबों में दे देता था। गरीबों में दे देता था। अच्छा, तुमसे लूट लिया कुछ। हाँ, जो गरीबों के काम का है सही, वो लूट के गरीबों में दे देता था। ऐसा नहीं, अपने पास नहीं। मतलब अच्छा आदमी था, जिसे एक बार वो बोल देता ना चोरी करनी है। हाँ, तो वो चोरी कर देता था, करता ही करता। जितने मिनट का घंटे का टाइम दिया उस दिन उस वक्त में चोरी हो जाती थी उसकी। अच्छा जी, उसी टाइम चोरी करता था। खतरनाक ये आदमी है। देखो यहाँ, ये देख रही छोटा, मगर अंग्रेजों का जगोई था वो। देखियो, अंग्रेजों का जगोई था। जगोई क्या मतलब? उनका बाप बोलते ना जगोई। अच्छा, मतलब ये देखो यहाँ, ये रहा इसका मेन गेट, और मेन गेट के पास में ही सुरंग है, और सुरंग के अंदर चलते हैं, देखते हैं कहाँ है सुरंग भैया। अच्छा, ये है ना, बंद कर दिया सुरंग। अच्छा, बंद कर दिया कहाँ है? अच्छा, ये पत्थर लगा दिए ऊपर जाके। देखो, ये देखो गोला, ये देखिए ना ऊपर से। हाँ 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 हाँ, सही है। अच्छा, ऊपर चढ़ते थे दीवारों के, वहां से नीचे को आ जाया करते थे, और ऐसे ही सुरंग में निकल जाया करते थे। अच्छा, ऊपर कैसे जाया जाए यार? तो इसका ये मेन गेट है, और मेन गेट के मेहराब जैसे कि हमने देखा था उसी टाइप के हैं, इसके भी उसी तरह के हैं। ये देखिए कुप्पा गुम्बद इसका, और ये देखिए, और इसको तो भाई आशिकी का हब बना रखा है लोगों ने। ये देखिए, ये लिखा है माशूक का नाम और लवर का इम्तियाज खां बिजनौरी। ये देखिए, कोई इम्तियाज खां साहब हैं, बिजनौर से बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये इसकी वॉल है, दीवार, और ऊपर जो लगे हैं पत्थर वो लगे हैं इस तरह के। अरे छप्पल ये है इस तरह के, देखिए ये लगे हैं पत्थर, मतलब इनको तराश के बना के ईंटों की तरह लगाया गया है, और बीच में जो भरे गए हैं पत्थर वो गोल भरे गए हैं। ये देखिए मसाले के साथ इस तरह से। तो नजीबुद्दौला द्वारा बनाया गया 1755 में एक आर्किटेक्चर, जो कि नजीबाबाद में अभी मौजूद है, और नजीबाबाद शहर का नाम भी उसी के ऊपर है, नजीबाबाद। तो अभी हम खड़े हैं भाई वॉल के ऊपर, नजीबाबाद का जो किला है, और आप देख सकते हैं इस वॉल के अंदर क्या खासियत है। ये देखिए, जैसे अक्सर किलों के अंदर होती है इस तरह के देखने के मुकाले होते हैं 3, यानी यहाँ से सिर्फ एक है और इसके अंदर है 1, 2, 3। ये देखिए देखने के लिए, और ये रहा भाई निशाना लगाने के लिए। देखिए यहाँ से देख के इस तरह से निशाना लगाते थे बंदूकों से, और नीचे भी है भाई वॉल के अंदर। ये देखिए पूरी वॉल में भाई इसी तरह से हॉल बने हुए हैं। वॉल के ऊपर भाई ऐसा लग रहा है जैसे 4 पहिए की कार तो चल जाएगी, आराम से चल जाएगी, चल जाएगा। ऊपर वाले पे तो और भी छोड़ी है, अगली वाली। अच्छा जी, ऊपर वाली इसकी भी छोड़ी है? नहीं, ये नहीं। अच्छा, वो अगले वाले। हाँ, ये इसका गेट है वहां जाने के लिए, जस्से भाई है कोई गेट पे ही नाम है, और इसके अंदर है ताला लगा हुआ। ये देखिए इस वॉल के ऊपर लोगों ने नाम लिख रखे हैं अपने, पूरा इसको पोत रखा है, तुर्क और वाहिद आयशा, और चीख पक मतलब काट रखा है पूरा। कबीरा है कोई भाई, मान जा भाई, कबीरा मान जा। यहाँ से देखिए इसका व्यू, ये रहा इसका गेट जो मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्री की थी, और ये वॉल देखिए आप भाई, 4 पहिए की गाड़ी इस पर चल जाएगी आराम से, और ये डबल में है वॉल इसकी, चारों तरफ इसी तरह से वॉल है, और इसी तरह के भाई हॉल हैं मोकले। ये देखिए, ये सिंगल है, 1, 2, 3 देखने के लिए इस तरह से, और इसी तरह के बनी है भाई पूरी वॉल पे आगे तक, और चारों तरफ इसके भाई उसी तरह से है वॉल। ये देखिए, और सामने वो रहा देखिए गेट इसका दूसरा अपोजिट में, और मुझको सबसे प्यारा जो व्यू लग रहा है ना वो यार ये खजूर के पेड़ जो खड़े हैं ना बीच में, एक अलग ही व्यू आ रहा है इनको देख के यार इस तरह से। कहीं पर अगर कोई आर्किटेक्चर होता है या कोई फेमस स्पॉट होता है या कोई जगह होती है तो उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें होती हैं, मतलब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो उसमें कुछ बातें सच होती हैं, कुछ बातें जो होती हैं वो अफवाह में होती हैं। जैसे कि साथ में लड़का था, वो बोल रहा था कि भाई एक ही रात में बना ये किला,
और सुल्ताना डाकू के बारे में बहुत सारी बातें कि कोलू में पेल दिया उसे, हालांकि वो सुल्ताना डाकू को फांसी दी गई थी और जो बाकी के उसके जो साथी थे उनको काला पानी की सजा दी गई थी और फांसी जो हुई थी वो हुई थी बरेली के अंदर। और ये देखिए ये है सुरंग, ये यहाँ से कूदो नीचे इस तरह से कूद के नीचे से खुफिया रास्ता गया है। इस किले के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था भाई, सुल्ताना डाकू का किला, सुल्ताना डाकू का किला। आज मैं बिजनौर आया, बिजनौर से नजीबाबाद आया और नजीबाबाद में मैंने ये किला एक्सपीरियंस किया और वीडियो भी बनाया भाई आप लोगों के लिए। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं और इस किले को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है इसके अंदर आने की। आप ऐसे ही गेट के अंदर आके पूरा घूम सकते हैं और जैसे कि देख सकते हैं आप क्रिकेट चल रहा है, इधर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो किले में काफ़ी कुछ है मतलब देखने के लिए, पुरानी चीज़ें मतलब, वैसे तो म्यूज़ियम वगैरह तो नहीं है लेकिन जो आर्किटेक्चर है किले का और प्लस सुल्ताना डाकू का किला के नाम से मशहूर है ये। हालांकि नजीबुद्दौला ने बनाया है, इसका नाम पत्थरगढ़ है, इसी के नाम से ज़्यादा मशहूर है ये किला। तो आप भी आ सकते हैं घूमने के लिए, अगर आपका निकलना हो नजीबाबाद के आसपास से या बिजनौर के आसपास से तो आप इस किले में आएँ और आके घूमें आराम से। पीछे वाला जो गेट है उसके ऊपर तक नहीं जा सकते, लेकिन जो ये इसके अपोजिट है दूसरा वाला उसके ऊपर जा सकते हैं। तो हम बिल्कुल करीब हैं इसके और ऊपर चल के देखते हैं किस तरह का इसका आर्किटेक्चर है और किस तरह के हैं मतलब ये गेट बने हुए। हालांकि दोनों सेम हैं, हाइट भी सेम है दोनों की। तो ये रहा इसका मेन गेट और मेन गेट के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन जो इसके सामने अपोजिट गेट है दूसरा उसके ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से हम आए और ये आप देख सकते हैं ये रहा गेट। खोलो जी गेट, खोलो इसका, ये खुल गया गेट और ये देख सकते हैं आप यहाँ से रास्ता आ रहा है, लेकिन ये भी क्लोज है डोर। और ये गेट के ऊपर कुछ इस तरह का है भाई, यहाँ भी भाई उसी तरह से हॉल बने हैं, मोकले बने हैं दुश्मन पे निशाना लगाने के लिए, देखने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं ये CCTV हैं उस दौर के, ये मतलब टेक्नोलॉजी है CCTV देखने के लिए उस दौर में। ये देखिए एक गेट ये आ रहा है रास्ता, मतलब गेट के ऊपर आने के लिए। इसके ऊपर भी लिखा है कुछ, ये देखिए लखोरी ईट लगी है अंदर इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पर सब मतलब झाड़ी हैं, घास है। ये देखिए ये रहा गेट की हाइट, देख सकते हैं आप कितनी है। और ये है पूरे किले का व्यू इस तरह से, वो वॉल है उधर, उधर भी वॉल है, सामने रहा गेट दूसरा इसका सेम ऐसा ही, और ये सेंटर में लगाए फ्लैग ये देखिए। तो आज की वीडियो में हमने देखा भाई नजीबुद्दौला का किला, सुल्ताना डाकू का किला, हालांकि सुल्ताना डाकू के नाम से मशहूर है। और ये देख सकते हैं आप इसके पीछे ही गाँव बसा है भाई, और पीछे पूरा व्यू भाई किले का। तो ये किला आपको कैसा लगा, ये जगह आपको कैसे लगी और इस किले के बारे में जान के आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हम आपके लिए इसी तरह के ब्लॉग वीडियो अलग अलग पहले इसके लाते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। सुबह में थोड़ी ठंड लग रही थी लेकिन अब गर्मी लगने लगी है भाई घूमते घूमते यहाँ पर। और ये वॉल है भाई इसकी मेन वॉल, जहाँ पर मैं बैठा हूँ अभी, ये देखिए ये इसकी मेन वॉल। बाकी जो इधर की वॉल थी सेकेंड जिसे उधर थी ना ऊपर नीचे वाली, तो इधर वाली तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और ये गेट है भाई इसका, पीछे ही गांव बसा है देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।